देखो डिफ्रैक्शन आपका नेक्स्ट टॉपिक है. क्या है डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन इज बेसिकली फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना, मुड़ जाना अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल या अपर्चर. अपर्चर एक छोटी सी ओपनिंग को बोलते हैं, जैसे होल. तो कॉर्नर से बेंड हो जाना इज नोन एज डिफ्रैक्शन. तो लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ, सीधा चलते चलते लाइट क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है. द डेविएशन बिकम मोर प्रोनाउंस्ड, डेविएशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, बेंडिंग बढ़ जाती है. कब? व्हेन द डायमेंशंस ऑफ अपर्चर या ऑब्स्टेकल आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये स्लिट है, इस स्लिट की ओपनिंग मान लो कितनी है? ए. और ए किसके इक्वल है? वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा. और ए गिवन है 6 लैम्डा, 6 गुना ज़्यादा बड़ी है वेवलेंथ से ओपनिंग. तो इसकी डिफ्रैक्शन बेंडिंग ज़्यादा नहीं होगी. पर अगर आप होल को छोटा कर दें, कितना छोटा कर दें? लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा ही होल का साइज़ कर दें, तो ये डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा देखी जाएगी. तो जब साइज ऑफ स्लिट कंपेरेबल हो जाता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो डिफ्रैक्शन बहुत बढ़िया अफेक्ट देती है, बेंडिंग ज़्यादा होती है. ठीक, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ एक चीज़ बता सकता हूँ, इसमें डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि हवा में ही लाइट स्प्लिट होगी, ऐसा होता नहीं है. तो इसको डायग्राम को थोड़ा ठीक कर लेते हैं. तो ये मान लो स्लिट है, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक स्लिट है. और इस स्लिट में देखो, इस स्लिट में लाइट आ रही थी लेज़र लाइट, और डिफ्रैक्शन हो गई, कॉर्नर से बेंड हो गई, बेंड हो गई. जब बेंड हुई आगे किसने स्क्रीन रख दी, स्क्रीन के ऊपर लाइट गिरनी चाहिए थी भाई, बेंडी हुई है ना, लाइट पूरी की पूरी सामने जा रही है और मैक्सिमम लाइट सामने ही गिरती है. ऐसा नहीं है क्योंकि होल में से मैक्सिमम लाइट सामने गिरेगी, कुछ लाइट कॉर्नर से बेंड हो जाती है, फैल जाती है. तो कायदे से होना ही चाहिए था, स्क्रीन के ऊपर लाइट ही लाइट होनी चाहिए थी, सेंटर पे ज़्यादा और कॉर्नर्स पे थोड़ी, साइड ऊपर थोड़ी कम. पर जब पैटर्न बना तो पैटर्न वही बन गया, मैक्सिमा मिनिमा, लाइट नहीं गिरी, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा. अब हम रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो स्लिट भी एक ही है, जबकि YDSC में सोर्स कितने थे? 2, इसमें तो एक स्लिट है. तो फिर इंटरफेरेंस कैसे होगी, क्योंकि ये तो पता है कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है. क्यों हुई, इसका आंसर ढूंढने की आज कोशिश करेंगे और मैथमेटिकली ढूंढेंगे ऐसा होता क्यों है. ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन है. डिफ्रैक्शन दो टाइप की है, पहली फ्रेजनल, दूसरी फ्रॉनहोफर. फ्रेजनल डिफ्रैक्शन वो डिफ्रैक्शन है दैट टेक्स प्लेस एट अ स्लिट, स्लिट के ऊपर जब क्या होता है, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट लाइज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट. तो एक स्लिट है और सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है और वहाँ से डिफ्रैक्शन करवा रहे हैं हम, तो ये क्या है? फ्रेजनल है. लेकिन फ्रॉनहोफर तब है जब हम क्या करते हैं, व्हेन प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन इट. और प्लेन वेव फ्रंट कब आता है? जब सोर्स बहुत दूर है, सोर्स बहुत दूर है और बहुत दूरी से आ रहा है, तो हम पार्ट ऑफ वेव फ्रंट लेते हैं तो प्लेन नजर आता है. तो यानी कि अगर प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है तो कौन सी डिफ्रैक्शन है? फ्रॉनहोफर. और हम अपने क्वेश्चन किस में करते हैं? प्लेन वेव फ्रंट में. तो हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है डिफ्रैक्शन, मतलब बात कहाँ हो रही थी, ये लेंस लूंस पानी कहाँ से बीच में आ गए. ठीक, तो इसको समझते हैं. सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि जब डिफ्रैक्शन हो रही है, जब लाइट आ रही है और एक स्लिट है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, ओपनिंग काफ़ी बड़ी दिखाई है लेकिन होती बहुत छोटी है. ये तो mm में है, 2 mm, 3 mm, इतनी छोटी दिखेगी भी नहीं लेकिन आपको दिखाने के लिए बड़ी दिखाई है. पीछे से लाइट आ रही है, वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है. जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर आता है तो कुछ वेव फ्रंट का पार्ट तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा और ये स्क्रीन स्क्रीन पे जाके लाइट गिरेगी, पर कुछ यहाँ से कॉर्नर से बेंड हो जाता है और यहाँ पे आके गिरेगी, कुछ यहाँ से कॉर्नर से बेंड हो जाएगा यहाँ पे गिरेगी, कोई ज़्यादा बेंड हो जाता है यहाँ पे आके गिरेगी, कोई और ज़्यादा बेंड हो जाती है ऊपर जाके गिरेगी. तो लाइट ही लाइट जो है वो ये फैलती जा रही है, इस तरीके से बेंडिंग होती जा रही है. ज़्यादातर लाइट सीधी ही गिरती है, ज़्यादातर सीधी ही गिरती है, लेकिन कुछ लाइट बेंड हो जाती है जो स्क्रीन के ऊपर यहाँ के गिरेगी. क्लियर है? इमेजिन कर लिया. अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमने डिफ्रैक्शन किस में करनी है? प्लेन वेव फ्रंट में. अगर मैं सोर्स, अगर मैं वाइट लाइट पे काम करूंगा बाहर सनलाइट, तो फिर तो मैं डिफ्रैक्शन देखूंगा कैसे, मुझे अंधेरा चाहिए. तो मुझे एक्सपेरिमेंट तो लैब में करना है. लैब में अगर मैं कोई बल्ब लूंगा, सोर्स लूंगा, वो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स प्लेन वेव फ्रंट देते नहीं. तो प्लेन वेव फ्रंट तो बहुत दूर से जब वेव फ्रंट आएगा तभी बन सकता है. तो किसी ने क्या किया, कोई
कोई कहता है एक काम करते हैं, प्लेन वेवफ्रंट बनाने का तरीका देखो, एक लेंस ले लो, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी है कि जब भी ये रेज आती हैं, ये क्या करता है, ये कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करता है, कहता है उल्टा काम कर लो, आप किसी भी पॉइंट सोर्स को यहाँ पे रख लो और लाइट को इसमें से निकाल लो, जब लाइट इसमें से जाएगी वापस तो क्या जाएगी, ये प्लेन हो जाएगा। तो बन गया प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से। तो प्लेन वेव फ्रंट बनाने का तरीका बहुत सही बनाया। वो कहते हैं एक काम करो, प्लेन वेव फ्रंट चाहिए ना जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पॉइंट सोर्स लो, लाइट आई, सीधी हो गई। ये इस लेंस का काम है। तो पहले लेंस का काम है क्या जनरेट करना, प्लेन वेव फ्रंट। तो इसके बाद इसका कोई काम नहीं है। अब ये वेव फ्रंट आया, सामने स्लिट है, बड़ी स्लिट है, मतलब एक्चुअल में छोटी है बट दिखाई बड़ी गई है, इसमें से ये वेव फ्रंट पास होगा। अब फिर चलते हैं मेरे डायग्राम पे। तो मेरे डायग्राम में फिर से एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, और सपोज करो ये वेव फ्रंट है जो बिल्कुल सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, और ये स्क्रीन है, ठीक है। जो वेव फ्रंट सीधा जा रहा है ऑब्वियसली सीधी लाइट फेंकेगा, इधर सीधी लाइट देगा। मैं ये चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कैसी इंटरफेरेंस है। इसके लिए मैं एक लेंस और लेता हूँ रास्ते में। ये लेंस का काम है जो भी वेव यहाँ से आ रही हैं उन्हें कन्वर्ज करके देगा सेंटर पे, ऐसे मिला के देगा, ताकि मैं ये चेक कर सकूँ कि यहाँ से जो वेव्स आ रही हैं वो आपस में कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। आपको कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए तो दो सोर्स चाहिए, यहाँ तो दो सोर्स है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पोर्शन को, स्लिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। हम ये मानते हैं कि अगर कोई वेव ऊपर आ रही है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक वेव नीचे भी आएगी। ऐसी मान लो एन नंबर ऑफ वेव ऊपर आ रही हैं, एन नंबर ऑफ वेव नीचे आ रही हैं, जो सेंटर पॉइंट पर क्या हो रही हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, कंस्ट्रक्टिवली ही करेंगी। क्यों, सिमेट्री है, क्योंकि एक वेव अगर ऊपर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक वेव नीचे है, तो इसने अगर क्रेस्ट दिया तो इसने भी क्रेस्ट दिया। एक वेव ये है तो सेम वेव यहां पर भी है, एक वेव यहां पर है, एक वेव यहां पर है, एक वेव यहां पर, सेम एन नंबर ऑफ वेव ऊपर, एन नंबर ऑफ वेव नीचे, तो ये हमेशा सेंटर पे कंस्ट्रक्टिवली ही इंटरफेयर करेंगी। इसीलिए सेंटर पॉइंट पर हमेशा हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमा। तो आईडीएससी की तरह सेंटर पॉइंट पर हमेशा ही मैक्सिमा गिरेगा, बिकॉज इक्विडिस्टेंट वेव्स हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, यानी कि ये इंटरफेरेंस हो क्यों रहा है, वेव का कुछ हिस्सा अपने ही कुछ हिस्से पे, क्या लाइट का कुछ हिस्सा अपने ही लाइट के कुछ हिस्से पर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। आपको कि यहां तो बात बन गई, बाकी जगह ये देखो फिर से एक स्लिट है, इस बार लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई, देखो लाइट बेंड हो गई। लाइट जब बेंड हुई और ये स्क्रीन है, अब अगर मैं लेंस रखूंगा तो मैं देखूंगा लाइट का एक हिस्सा इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया और दूसरा इतना, साफ पता लग रहा है कि ऊपर वाली वेव ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया और नीचे वाली वेव ने ज्यादा। अब इसमें कितनी वेव्स हैं मुझे खुद नहीं पता कितनी वेव्स हैं, पर हाँ इतना पता है कि अगर ऊपर वेव है और नीचे वेव है, इन दोनों ने सेम रास्ता तो कवर नहीं किया, तो नीचे वाली वेव ने ज्यादा किया, ऊपर वाली वेव ने कम किया, तो देयर इज अ पाथ डिफरेंस। तो यानी कि लाइट का कुछ हिस्सा अपने ही कुछ हिस्से पर इंटरफेयर करेगा और यहां पर मैक्सिमा या मिनिमा जनरेट करेगा। अब ये डिसाइड करना है इसमें कि मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं अपने डायग्राम पे जाऊं तो ये एक वेव फ्रंट है, ये स्लिट है, ये लेंस है, जो वेव फ्रंट सीधा जा रहा है वो सीधा सेंटर पॉइंट पे मिलेगा, सेंटर पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है, तो इसकी डिस्कशन हम करते नहीं है, पता ये सेंटर मैक्सिमा है। हम पी पॉइंट की डिस्कशन करते हैं, ये वेव फ्रंट मुड़ गया, कितना मुड़ा, बाय एन एंगल ऑफ थीटा मुड़ गया। जब थीटा एंगल मुड़ा तो ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया और ये आपका वेव फ्रंट है। अब मुझे ये पता है कि जो वेव फ्रंट होता है, मान लो ये वेव फ्रंट मुड़ गया, ये वेव फ्रंट है, तो इस वेव फ्रंट से इस लाइन ने ये डिस्टेंस कवर किया और इसने ये डिस्टेंस कवर किया और ये डिस्टेंस एकदम बराबर होते हैं, क्योंकि वेव फ्रंट से यहां तक के डिस्टेंस बराबर है, पर नीचे की वेव ने एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना, दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय द नीचे की वेव। तो ऊपर की वेव ने, क्योंकि ऊपर की वेव ऊपर से बेंड हुई थी, वेव फ्रंट ऊपर से बेंड हुआ है, तो नीचे की वेव ने एक्स्ट्रा ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और ये डिस्टेंस होगा क्या, अगर ये डिस्टेंस ए है, स्लिट के विड्थ को हम यहां पर क्या लेते हैं, ए, और अगर ये थीटा, तो ये ज्योमेट्री लगाओ तो यहां पर क्या आएगा, ए साइन थीटा। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस कितना है, ए साइन थीटा।
पर मैंने इसमें जो वेव ली वो कॉर्नर कॉर्नर की ली, लेकिन एक्चुअल में वेव्स अंदर भी तो होंगी, तो अंदर का पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा थोड़ी ना होगा, अंदर का डिफर करेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा क्या करने है। पहले कॉर्नर कॉर्नर की लेते हैं, तो इन दो वेव में पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा। तो अब हम एक थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी क्या आर्गुमेंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, या जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सप्लेनेशन देगा कि कब यहाँ पर मैक्सिमा होगा और कब यहाँ पर मिनिमा होगा। तो पहले मैं रिजल्ट बता देता हूँ कब मैक्सिमा और कब मिनिमा होगा, फिर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास ये जो पाथ डिफरेंस आया ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, मैं इफ लिख रहा हूं, अगर ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, लैम्डा, अगर मान लो ये पाथ डिफरेंस लैम्डा आ गया, तो आप अपने मन में एज्यूम करेंगे कि ये होल वेव फ्रंट से जो लाइट आ रही है ये दो इक्वल हिस्सों से आ रही है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, सच दैट अपर हाफ में जो वेव्स आएंगी उनमें पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय टू, और लोअर हाफ में जो वेव्स आएंगी उनमें पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय टू। तो आपने होल वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हैविंग अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय टू एंड लैम्डा बाय टू। फिर आप ये कहेंगे कि जो अपर हाफ है अगर उसमें कोई भी वेव है तो लोअर हाफ में भी कॉरस्पॉन्डिंग वेव होगी ही होगी, जो आपस में क्या करेंगी, कैंसिल करेंगी, और ये पॉइंट किसका आएगा, मिनिमा का। तो ये पॉइंट किसका आएगा, मिनिमा का। फिर से करते हैं, अगर ये पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा लैम्डा की जगह टू लैम्डा आ जाए, तो आप ये बोलेंगे कि पूरी स्लिट में से जो लाइट आ रही है उसको मैं चार हिस्सों में बांटूंगा, हैविंग अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू एंड लैम्डा बाय टू, ताकि टोटल बिकम्स टू लैम्डा। तो अगर कोई भी वेव इस हिस्से में आ रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इस हिस्से में भी सेम वेव आएगी, जो आपस में क्या कर जाएंगी, कैंसिल। इस हिस्से की वेव इस हिस्से को कैंसिल करेंगी, तो टोटल फिर से पॉइंट क्या आएगा, मिनिमा, राइट। फिर अगर ये पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा थ्री लैम्डा हुआ, तो होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू छह इक्वल पार्ट्स, हैविंग अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू एंड लैम्डा बाय टू। तो इस हिस्से को, इस हिस्से की वेव कैंसिल करेंगी, इसको ये और इसको ये, तो फिर से क्या पॉइंट आएगा, मिनिमा। तो रूल ये बोलता है कि अगर पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, फोर लैम्डा, फाइव लैम्डा, या फिर ए साइन थीटा कितना, एन लैम्डा हो जाए, तो ये कंडीशन किसकी बनेगी, मिनिमा की, जबकि इंटरफेरेंस में ये कंडीशन किसकी थी, मैक्सिमा की। उल्टा हो जाएगा सब कुछ। अब सपोज करो कोई कहता है कि ये पार डिफरेंस ए साइन थीटा थ्री लैम्डा बाय टू है, तो होल वेव फ्रंट की जो स्लिट है इसमें जो लाइट आ रही है वो तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड होएगी, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू एंड लैम्डा बाय टू। ये वाले हिस्से की वेव इस हिस्से की वेव को कैंसिल करेंगी, इसको कैंसिल करने वाला कोई हिस्सा बचा ही नहीं, तो पॉइंट क्या आएगा, तो लाइट गिर देगा, मैक्सिमा। उसी तरीके से अगर ये ए साइन थीटा फाइव लैम्डा बाय टू हुआ, तो होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइव इक्वल पार्ट्स, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू एंड लैम्डा बाय टू। ये वाला पार्ट की वेव इसे कैंसिल, ये वाली पार्ट की वेव इसे कैंसिल, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं, तो फिर से क्या पॉइंट आएगा, मैक्सिमा। तो यानी कि अगर ए साइन थीटा थ्री लैम्डा बाय टू, फाइव लैम्डा बाय टू, सेवन लैम्डा बाय टू, या फिर टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाय टू, तो ये कंडीशन किसकी होगी, मैक्सिमा। अब सोचने की बात यह है कि ये कंडीशन बनी तो बनी कैसे, ठीक है, ये तो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया कि अगर ऐसा होगा तो ये कैंसिलेशन ऐसी होगी, पर हमें कैसे पता लगा कि सच में ऐसी कैंसिलेशन होगी कि नहीं होगी। चलो वो तो मैं रिजल्ट मैंने पढ़ रखे, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ये फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो इसको सीखने के लिए आपके आपकी बुक्स में, या सबसे जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है सारी बुक्स में से, वो गिवन है एनसीईआरटी में बस। तो एनसीईआरटी की बुक ये कहती है कि फिर से सेम डायग्राम है, ये स्लिट है, ये स्लिट है और वहां जाके पी पॉइंट है कहीं पर, तो ये जो एल पॉइंट है और एम पॉइंट स्लिट है पूरी, इसके अंदर वो कहता है कि आपके पास नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं, बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स हैं, एन नंबर ऑफ वेव्स हैं, मानते हो। तो जब मैं ये स्टेटमेंट देता हूं कि इसमें एन नंबर ऑफ वेव्स हैं,
तो एन वेव्स के लिए एन सोर्स भी हैं. तो रूल नंबर वन, इसके अंदर देर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेस. क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता था, हाइगन यही तो कहता था कि जो भी वेव फ्रंट, जो भी लाइट पीछे से आ रही है, जब यहां पहुंचेगी प्लेन वेव फ्रंट, तो उसका हर पॉइंट विल एक्ट लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. तो कौन कहता है कि डिफ्रैक्शन में एक सोर्स है, डिफ्रैक्शन में तो एन सोर्सेज हैं. वाई डी एस सी में दो सोर्स हैं, डिफ्रैक्शन में एन सोर्स हैं. ये पहला डिफरेंस है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? तो इंटरफेरेंस में दो ही सोर्स हैं और वाइड इसमें आपके डिफ्रैक्शन में एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जो एन नंबर ऑफ वेव को फेंक रही हैं बाहर, और वो एन नंबर ऑफ वेव आपस में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं. ठीक है, तो इसके अंदर एनसीईआरटी कहती है काम करो, एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, आप सिर्फ दो कंसिडर कर लो बीच में, एक अपर हाफ में कर लेना, एक लोअर हाफ में कर लेना बस. तो वो ये बुक कहती है कि अगर मान लो अगर मैं ये डिस्टेंस लेता हूं पूरे का पूरा ए, तो ये और ये यानी कि एनपी और एलपी के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, ए साइन थीटा. हमने किया नहीं था ये थीटा, ए साइन थीटा. अगर मैं कॉर्नर कॉर्नर का पॉइंट लूंगा, कॉर्नर कॉर्नर की वेव लूंगा, तो पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, ए साइन थीटा, राइट. लेकिन बुक कहती है कि भाई जरूरी थोड़ा है कि यहां और यहीं सोर्स होगा, सोर्स तो बीच में कहीं भी हो सकता है. तो कहते हैं काम करते हैं सिमिट्री में लेते हैं, एक सोर्स यहां सिमिट्री में इसके मिड पॉइंट पे लेते हैं और एक इसके मिड पॉइंट पे लेते हैं, सच दैट इनके बीच में दूरी कितनी है, वाई. तो अगर ये वाई है तो यहां से निकलती हुई वेव और यहां से निकलती हुई वेव में ये जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा ट्रेवल होगा कितना, वाई साइन थीटा. भाई अगर डिस्टेंस ए है तो ए साइन थीटा, वाई है तो वाई साइन थीटा. क्लियर है यहां तक? अब ये पाथ डिफरेंस m1 m2 में कितना आया, वाई साइन थीटा. तो ऐसे तो पता नहीं n नंबर ऑफ सोर्स हैं. वो कहता है कि आप एक पॉइंट यहां और यहां ले लेना, अब इसमें एक नया वाई आएगा तो नया वाई साइन थीटा, फिर आप दो पॉइंट और ले लेना, ऐसे करते करते तो पता नहीं कितने पॉइंट्स हैं. तो टोटल पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, दो पॉइंट्स का पाथ डिफरेंस वाई साइन थीटा, अगले दो का नया वाई साइन थीटा, अगले दो का फिर नया वाई साइन थीटा. तो क्या करनी पड़ेगी टोटल पाथ डिफरेंस के लिए, इंटीग्रेशन. जो बुक कहती है ये आउट ऑफ स्कोप है आपके, आप नहीं कर सकते प्लस टू में. ठीक है, तो बढ़िया ही तो कहती है. तो ये देखो यही तो लिखा हुआ है इसमें. तो वो कहती है ये देखो इतने सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज के अंदर वो कहता है जो पार्ट डिफरेंस है एनपी एलपी, ये एनपी और एलपी में पार्ट डिफरेंस कितना है, ए साइन थीटा. और क्योंकि एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा. और M1 M2 में पार्ट डिफरेंस को मैं क्या लेता हूं, अगर Y Y तो पार्ट डिफरेंस M1P और M2P में क्या हो जाएगा, Y थीटा. फिर वो क्या कह रहा है, वी नाउ हैव टू सम अप इक्वल कोहेरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज. ये तो दो लिए M1 M2 है, तो लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज हैं ईच विद डिफरेंट फेज. दिस कैलकुलेशन वॉज मेड बाई फ्रेजनल यूजिंग इंटेगल कैलकुलस, सो वी ओमिट इट हेयर. उड़ा रहे हैं हम इसे. तो फिर क्या करें, वो कह रहे हैं The main feature of diffraction pattern can be understood by simple arguments. कौन सी simple arguments? जो मैं आपको already बता चुका हूं कि अगर ये sin theta lambda, 2 lambda, 3 lambda होगा तो wave की light का कुछ हिस्सा दूसरे हिस्से से cancel होगा. तो कब maxima और कब minima होगा ये मैंने आपको शुरू में बता दिया, वो मेरी simple argument ही थी. तो ये लिखने की जरूरत नहीं है paper में, बट आपको समझ में आ गया सिंपल आर्गुमेंट्स क्या हैं, क्योंकि लिखना आपको सिंपल आर्गुमेंट्स ही है इसमें. ठीक है, तो ये आपका डिफ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन है. और जाते हुए एक चीज और, लाइट बंद करना. But an interference pattern can also be created even if the wave passes through a wall with just a single hole. To understand why this is the case,
We need to understand that each wave can be thought of as the combination of an infinite number of smaller waves that spread out in all directions. When the wave hits a barrier with a small hole, only the portion of the wave that is directly behind the hole is able to pass through. This is why waves spread out when they pass through a barrier with a small hole. If the hole is bigger, then more of the waves are able to pass through. And these waves have the ability to interfere with each other. ठीक है, एक चीज दिखानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कैसे विजुलाइज करेंगे इसको देखना एक बार प्लीज. देखो, ये देखो नंबर ऑफ वेव्स, n number of sources, central point. In this case, वो देखो. This can be thought of as an even larger number of small holes. Path difference हो रहा है. Path difference. बस इसमें basically यही था. वो जो मैं वैसे वो क्लिक हो गया पीछे बैक. पर आपने देख लिया एक चीज, n number of sources हैं, n number of waves हैं. तो कैसे count तो कर नहीं सकते. तो p point पे जाके क्या होगा? कुछ वेव का पार्ट अपने ही कुछ वेव के पार्ट के साथ क्या करेगा? इंटरफेयर. तो यहां तक क्लियर है? इसका अगला पार्ट और मैथमेटिकल कैलकुलेशन नेक्स्ट टाइम होंगी. यहां तक सफिशिएंट है?